अगर आप मोटोरोला G52 बाय करने के बारे में सोच रहे हो और आपका कंसर्न है कि बैटरी कैसा है, कितने देर तक बैकअप दे देगा और कितना टाइम लगता है चार्जिंग करने के लिए, तो आज की वीडियो जो है इसी चीज के बारे में है। तो आज हम करने वाले हैं मोटोरोला G52 का चार्जिंग टेस्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बढ़ते चार्जिंग टेस्ट की ओर। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है यहाँ पे 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और हम आज की वीडियो में ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करने वाले। तो जो बॉक्स में चार्जर मिलता है 33 वॉट का, उसी से चार्ज करने वाले, और केबल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। दोनों चीजें जो है मैं ओरिजिनल यूज करने वाला हूँ और हम हर आधे घंटे के बाद जो है चेक करेंगे कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिवाइस हमें कितना चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर अभी चार्जिंग की बात करूँ तो अभी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कंप्लीटली ड्रेनड आउट है, 1% पे यहाँ पे बैटरी है, और 1% से लेके 100% पे, या फिर 0% पकड़ लीजिए, 0% से लेके 100% तक जाने में कितना टाइम लगता है ये हम चेक करेंगे। टाइमर यहाँ पे सेट कर दिया है, तो बस यही बेसिक चीजें बतानी थी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं चार्जिंग टेस्ट की ओर। तो 30 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और चार्जिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करंटली है 51% पे। तो 30 मिनट्स में 51% काफ़ी अच्छा है। और डिवाइस की गर्म होने की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं केस के साथ यहाँ पे चार्ज कर रहा था, तो यस डेफिनेटली डिवाइस यहाँ पे गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं है बट यस डेफिनेटली वो हीट जो है वो यहाँ पे फील हो रही है। अभी देखना ये है कि और हाफ एन आवर में कितना परसेंट बैटरी यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि 80% बैटरी के बाद यहाँ पे चार्जिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 घंटे और 15 मिनट्स में ये डिवाइस जो है कम्प्लीटली चार्ज हो जाए। तो वेट करते हैं और हाफ एन आवर के लिए, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि डिवाइस का कितना बैटरी यहाँ पे बढ़ता है। तो 1 घंटा फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप करंटली देख सकते हो 90% पे चार्ज हुआ है। और यस डिवाइस डेफिनेटली वार्म जरूर लग रहा है हाथों में। कवर एक बार फिर से निकाल के चेक कर लेते हैं। यस डिवाइस वार्म जरूर है बट जितना इनिशियल स्टेज पे था आधे घंटे के चार्जिंग के बाद उतना वार्म नहीं है। हालांकि आधे घंटे के चार्जिंग के बाद थोड़ा सा ज्यादा वार्म था इससे, बट अभी थोड़ा सा टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो चुका है। जैसे कोई आम डिवाइस हीट अप हो जाएगा वैसा ही हीट इसका जनरेट हुआ है। तो 90% चार्ज
एक घंटे में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो आई होप कि आने वाले 10-15 मिनट में जो है उससे पहले ही जो है यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से चार्जिंग जो है कंटिन्यू कर देते हैं। तो फाइनली डिवाइस यहाँ पे 100% चार्ज हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। और जो टाइम लगा है 100% चार्ज होने में वो लगा है 1 hour 22 minutes and 44 seconds। तो जो 90% चार्ज है वो यहाँ पे एक घंटे में हो चुका था, बट लास्ट के 10% चार्ज के लिए यहाँ पे एडिशनल 22 मिनट्स लगे हैं। यूजुअली 80% के बाद यहाँ पे डिवाइस जो है स्लो चार्ज होना स्टार्ट होता है, बट मोटोरोला G52 में 90% के बाद 10% चार्ज के लिए 22 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं। तो यस, लास्ट के जो 10% है उस पर मैं ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ, बट ओवरऑल चार्जिंग जो है डेफिनेटली आपकी फास्ट हो जाएगी। और 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes में ये यूजुअली 100% चार्ज हो जाना चाहिए अगर आप 0 to 100% कर रहे हो। अगर आप यूजुअली 30-40% से भी चार्ज करते हो तो आपका एक घंटे में आराम से चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। और हीट की मैं बात करूँ तो यस, एंड में जो है हीट कम होने लग गई। फर्स्ट इनिशियल 50% के बाद जो है हीट यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रही थी, डिवाइस जो है थोड़ा गर्म हो चुका था। बट यस, धीरे धीरे जैसे ही चार्जिंग आगे हो रही थी डिवाइस जो है हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छा हो रहा था, और बैटरी और जो बैक है यहाँ पे डेफिनेटली यू नो हॉट फील नहीं हो रहा है या वार्म फील नहीं हो रहा। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइस एकदम ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में है, ज़रा भी हीट जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ 5000 mAh बैटरी 33 watt अडेप्टर से आपको यहाँ पे 1 hour 22 minutes में चार्ज करके दे देगी। तो यस, अगर आप मोटोरोला G52 बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो ये रहा इसका चार्जिंग रिजल्ट आपके सामने। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, 1 hour 22 minutes ठीक है या फिर और थोड़ा सा फास्ट हो जाना चाहिए था? क्योंकि मेरे हिसाब से और थोड़ा फास्ट हो जाना चाहिए था, 1 hour 15 minutes या 1 hour 10 minutes मैक्सिमम इतने टाइम में हो जाना चाहिए था, बट लास्ट के 10% में थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चार्जिंग हमें मिला है। बट बैटरी के यू नो लाइफ के बारे में भी सोचना होगा, तो ये जो हीट ज़्यादा ना हो इसके वजह से ये थोड़ा एडिशनल टाइम मैं बोल सकता हूँ कि लगा है। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, डेफिनेटली आपको फास्ट चार्जिंग यहाँ पे मिल जाएगी मोटोरोला G52 में। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में ये चार्जिंग टेस्ट। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी सोच रहे हैं इस डिवाइस को बाय करने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन आपको मिल जाएगा, आपके कुछ भी अगर सवाल है तो वहां पे आप पूछ सकते हो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आप सभी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।